अब आपको चार धाम की सबसे जरूरी जानकारी देने का वक्त आ गया है। ये यात्रा क्यों होती है, कहाँ होती है, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। हो सकता है इसके बाद आप भी चार धाम की यात्रा पर निकल जाएं। चार धाम की यात्रा कब से शुरू हो गई इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन महाभारत के मुताबिक वनवास के दौरान ये यात्रा पांडवों ने भी की थी। केदारनाथ का वर्णन किया जाता है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी बद्रीनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से भी बताया गया है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की खोज की और फिर इनका फिर से निर्माण करवाया। हालांकि उस समय इस यात्रा को हर किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यात्रा के सारे साधन आसान होते गए, लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा। चार धाम की यात्रा क्यों करनी चाहिए इसका जिक्र पुराणों में नहीं है, लेकिन मान्यता के मुताबिक चार धाम की यात्रा करने से इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग इस यात्रा को श्रद्धा से करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र और शांत हो जाता है। अब आपको एक एक करके उत्तराखंड के चार धामों की जानकारी देती हूँ। बद्रीनाथ मंदिर, ये मंदिर जो है उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों पर अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ है। इसी स्थान पर नर नारायण ने तपस्या की थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बना हुआ है। यहाँ भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक में शामिल है। आधुनिक मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी जो है शुरू होती है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भक्त यहाँ गंगा जल से स्नान करने और गंगा मैया की सबसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में गौरख कमांडर अमर सिंह थापा और ये निर्माण जयपुर नरेश माधव सिंह ने करवाया था। यमुनोत्री वो स्थान है जहाँ से यमुना नदी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ माता यमुना का मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी बुलेरिया ने करवाया था। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आप बद्रीनाथ मंदिर ना भी जा पाए, कोई आपका आसपास वाला जानकार जा पाए, तो बद्रीनाथ या किसी भी तीर्थ स्थान का जल जरूर लेकर आए, क्योंकि जल एक ऐसी चीज होती है जो वहां की वाइब्रेशंस को कैरी कर लेता है। इस जल को लाकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें और सब तरफ छिड़कें। इससे आपके घर में प्रोस्पेरिटी, खुशियां और विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होगा। बद्रीनाथ जी की तरह ही भगवान सत्यनारायण की पूजा के बारे में भी हिंदू जानते हैं और जानना चाहते हैं। अगर आप संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा जरूर कराएं। इस पूजा का सही विधि विधान क्या है, आइए आपको बता देते हैं। जो भी सत्यनारायण जी की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल में गाय के गोबर को पवित्र करने का स्थान बनाना चाहिए, उस पर पूजा की जानी चाहिए। इस चक्की के चारों पाए के पास केले के वृक्ष लगाएं और चक्की पर ठाकुर जी और सत्यनारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय गणपति जी की पूजा करें, फिर इंद्रादि दश दिक्पाल की और साथ साथ 5 लोकपाल सीता जी सहित राम जी, लक्ष्मण जी और राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के बाद ठाकुर जी और सत्यनारायण जी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता और आखिर में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें और चंद्रामृत लेकर प्रसाद बांटें। पुरोहित जी को दक्षिणा दें, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं और आप खुद पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य पुरोहित की सहायता से जरूर करा लें। थर्सडे के दिन ये जानकारी आपका कल्याण करेगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे।